जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पटेटिव टारगेट क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी का करेंट अफेयर का सेशन चल रहा था, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम के लिए, तो टॉपिक वाइज टॉपिक तो चल ही रहा है, लेकिन आज के करेंट अफेयर के सेशन में आप जानोगे 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के सारे वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही वीडियो में आपको 1 जनवरी से 31 जनवरी तक के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सारे क्वेश्चन का डिटेल भी। तो 1 जनवरी से स्टार्ट किया जाए कि यूरो का मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व देश कौन सा है। यूरो की बात किया जा रहा है कि यूरो के मुद्रा को अपनाने वाला विश्व देश कौन सा है, तो क्रोएशिया है। यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा उसे मैं हाईलाइटेड कर दूंगी, स्टार मार्क डाल दूंगी, आप लोग सारे क्वेश्चन को देख लेना। ओके, नेक्स्ट है पुर्तगाल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं। तो अल नासर, अल नासर पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नासर फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं। 2 जनवरी के करेंट अफेयर में देखते हैं कि भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गया। तो कौस्तुभ चटर्जी, कौस्तुभ चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट है 2 जनवरी 2023 को पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई। तो गुजरात, गुजरात शहर में पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किया गया है। केंद्र ने, नेक्स्ट है केंद्र ने कहाँ कलासा बंडूरी परियोजना की मंजूरी दी है। बात किया जा रहा है कलासा बंडूरी परियोजना, तो कर्नाटक, के से याद कर सकते हो कलासा बंडूरी और कर्नाटक। ओके, तो कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दिया गया है। ये आपके स्टार मार्क क्वेश्चन डाल लेना, क्योंकि ये आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, 2 जनवरी तक हो चुका है, अब 3 जनवरी में चलते हैं। 3 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, क्योंकि आपको पता होगा कि मैथिली ठाकुर का संबंध बिहार राज्य से है, तो मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है। तो नागपुर में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया गया है। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2023 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो 65वां, 65 DRDO का स्थापना दिवस 1 जनवरी को 65 स्थापना दिवस मनाया गया, और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे रैंकिंग और डाटा वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन देख लेना। नेक्स्ट है 3 जनवरी 2023 को रेलवे ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हासिल किया। 2030 तक रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है और आपको नेक्स्ट एग्जाम में भी ये डायरेक्ट देखने को मिलेगा, तो इसे डबल स्टार भी आप लोग डाल सकते हो। नेक्स्ट है 3 जनवरी 2023 को विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन है। तो ओडिशा, ओडिशा राज्य विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया। ओके, नेक्स्ट जो कि 3 जनवरी 2023 को किसकी 192वीं जयंती मनाई गई। तो सावित्री बाई फुल्ले को 3 जनवरी 2023 को 192वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट 4 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार अहमदाबाद से दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया। तो अक्षरधाम एक्सप्रेस, अक्षरधाम एक्सप्रेस किसका नाम बदलकर रखा गया है। तो अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस रखा गया, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसे भी 1 स्टार में डाल लेना। नेक्स्ट है 4 जनवरी 2023 को कहाँ गान नगाई उत्सव मनाया गया है। गान नगाई उत्सव मणिपुर, मणिपुर में गान नगाई उत्सव मनाया गया, ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश में बेरोजगारी दर दिसंबर से बढ़कर कितनी प्रतिशत किया गया। तो 8.3%,
बेरोजगारी दर पूछा जाएगा तो 8.3%। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है मैं उसे बताते चल जाऊंगी, तो लेकिन यहाँ पे तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेरोजगारी दर दिसंबर से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया, तो 8.3। गान नगाई उत्सव मणिपुर, वहीं अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो अक्षरधाम एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, 4 जनवरी 2023 को सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो शिवा चौहान। सियाचिन, सी से सियासी, सी से शिवा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि 4 जनवरी वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 4 जनवरी 2023 को सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई, शिवा चौहान। इसको याद कर सकते हो, सी से सियाचिन, सी से शिवा। ओके, स्टार मार्क डाल लेना आप लोग। नेक्स्ट है, 4 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने मटिया वाघ हवा महल का अधिग्रहण किया, मटिया वाघ असम। असम राज्य सरकार ने मटिया वाघ हवा महल का अधिग्रहण किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है, तो जयपुर में। संविधान उद्यान का उद्घाटन जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट है, 5 जनवरी 2023 की सूचना अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है, तो सबसे अधिक बेरोजगारी हरियाणा। हरियाणा में 2022 तक सबसे अधिक बेरोजगारी किया गया। यदि दिसंबर तक बेरोजगारी दर बढ़कर कितना हो गया है, तो 8.3%। ओके, नेक्स्ट है, 5 जनवरी 2023 को किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, तो नेपाल। नेपाल ने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में बॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है, बॉल ऑफ पीस म्यूरल केरल राज्य में बना है, केरल राज्य में बॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है। ओके, नेक्स्ट है, 5 जनवरी 2023 को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार एक वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी, तो ओडिशा। मुफ्त चावल ओडिशा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दीदी सुरक्षा कवच अभियान, जी हाँ, दीदी सुरक्षा कवच अभियान पश्चिम बंगाल, तो दीदी सुरक्षा कवच अभियान को पश्चिम बंगाल से याद कर लेना ये। नेक्स्ट है, 6 जनवरी 2023 को जल पर अपना अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो भोपाल। भोपाल में जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। ओके, नेक्स्ट है, 6 जनवरी 2023 को कहाँ पर विश्व का पहला तार के पत्तों को पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है, तो केरल। 6 जनवरी को केरल में विश्व का पहला तार के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार आप लोग इसमें डाल सकते हो। नेक्स्ट है, 6 जनवरी 2023 को भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है, तो जापान। जापान, भारत की जापान को छोड़कर सबसे बड़ा, मतलब रैंकिंग के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया, सेकेंड नंबर पे जापान है। ओके, नेक्स्ट है, 6 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया, पोलो प्रतिमा मणिपुर। पोलो प्रतिमा का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था, 120 फीट ऊंची है, जो कि मणिपुर में है। ओके, नेक्स्ट है, किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया, तो बंधन बैंक ने। नेक्स्ट है, 7 जनवरी 2023 को 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गया, तो प्राणेश एम। 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गया, तो प्राणेश एम। नेक्स्ट है, 7 जनवरी को किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया, तो बिहार। 7 जनवरी को किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया, तो बिहार राज्य ने। नेक्स्ट है, बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, देश के पहले पर्पल फेस्ट आयोजन कहाँ किया गया, तो गोवा में। गोवा में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, 8 जनवरी को किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो केविन मैकार्थी। केविन मैकार्थी को अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है, तो JSW को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है।
नेक्स्ट है, किस लेखक ने ओडक कुझल पुरस्कार जीता है? तो अंबिका सुथन मंगड ने, अंबिका सुथन मंगड ने ओडक कुछल पुरस्कार जीता है। ओके, ये सब साउथ के नाम है। अब 7 जनवरी तक हो चुका है, 8 जनवरी से देखते हैं कि 8 जनवरी 2023 को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जालना तथा नागपुर को, जालना तथा नागपुर को सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, 8 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन में ने फसाई से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो वाराणसी कैंट को, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को फसाई से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट है, 9 जनवरी को कहाँ चिड़चिड़ा महोत्सव मनाया गया? चिड़चिड़ा महोत्सव छत्तीसगढ़, चिड़चिड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में चिड़चिड़ा महोत्सव मनाया गया। और ये डबल स्टार क्वेश्चन डाल लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है चिड़चिड़ा। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? तो डी वाई चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 2023 को उस्मानाबाद जिले की अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई? तो महाराष्ट्र, उस्मानाबाद जिला अदालत महाराष्ट्र राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 9 जनवरी के क्वेश्चन। 9 जनवरी 2023 को मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अमेरिका, अमेरिका में मनप्रीत मोनिका सिंह ने पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 2023 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? एस एस राजामौली। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एस एस राजामौली को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। थीम क्या था? तो डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। जो कि मैं एक बार फिर से बताना चाहती हूँ, ये क्वेश्चन जो कि प्रवासी डे से, ये आप लोगों को पता होगा, 9 जनवरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 9 जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित, कहाँ? इंदौर में आयोजित 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 को मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। थीम की बात किया जाए तो डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जनवरी को किस राज्य सरकार ने जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड से 2023 जीता है? तो ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जनवरी को किसे पंतगराव कदम पुरस्कार मिला है? पंतगराव कदम पुरस्कार आधार पुनावाला को मिला है। आधार पुनावाला को कौन सा पुरस्कार मिला है? पतंगराव कदम पुरस्कार। नेक्स्ट है, 10 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर ड्वेन प्रोटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जनवरी 2023 को नासा के मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ए सी चारानिया को नासा के नए प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, 10 जनवरी 2023 को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे मिला है? तो हैरी ब्रूक तथा एसिल गार्डनर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? तो केरल राज्य। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देश का पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य केरल बन गया। नेक्स्ट है, 11 जनवरी 2023 को डीआरडीओ ने कहाँ में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? तो ओडिशा, ओडिशा में डीआरडीओ ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। ऐसे भी बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का परीक्षण पूछा जाएगा तो ओडिशा आप लोग मार सकते हो, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जनवरी 2023 को किस फिल्म पुरस्कार को 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? द कश्मीर फाइल्स, इंपॉर्टेंट है, इसे मिल भी गया है। नेक्स्ट है, 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली, ये अभी तक बना हुआ ही प्रदूषित शहर में दिल्ली।
नेक्स्ट है 11 जनवरी 2023 को 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ, तो जयपुर। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 11 जनवरी 2023 को जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा, तो जापान। भारत का स्थान 50वां, भारत का स्थान 2023 में 85 पे है। इसे आप लोग डबल स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट रैंक जापान, भारत का रैंक 85। नेक्स्ट है भारत जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी। 10 जनवरी हिंदी दिवस। नेक्स्ट है 12 जनवरी 2023 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, थिरु एस नदेशन को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 12 जनवरी 2023 को किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया, तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश में पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया गया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भाषा से जुड़ा हुआ जो अदर स्टेट वाला जो कंपलसरी करता है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया गया है। ओके, नेक्स्ट है 12 जनवरी 2023 को फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, तो मेटा विकास पुरोहित को फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। फेसबुक से याद करना मेटा से याद करना विकास पुरोहित, और ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा की कार्यक्रम शुरू किया है, तो त्रिपुरा। सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम त्रिपुरा ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जनवरी 2023 को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमार कुम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है, तो केरल। नेक्स्ट है 12 जनवरी को सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बन गई है, सुखोई। अवनी चतुर्वेदी सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अवनी सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है 12 जनवरी 2023 को किस देश के कप्तान ह्यूगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, जो कि फ्रांस के। फुटबॉल वाला ऐसे भी फ्रांस मारोगे तो सही होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन न कि सारे क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 13 जनवरी 2023 को कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया, बाजरा उत्सव गांधी नगर में मनाया गया है। नेक्स्ट है कॉग्निजेंट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया, तो रवि कुमार एस को। नेक्स्ट है 13 जनवरी को पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की, तो पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की घोषणा 1 अप्रैल 2023 से किया गया है। नेक्स्ट है 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहां तक दुनिया में सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया, डिब्रूगढ़। ये क्वेश्चन आप लोग डबल स्टार डाल सकते हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया। सबसे पहले तो गंगा विलास पूछा जाएगा, लॉन्च किसने किया, प्रधानमंत्री, कहाँ से कहाँ, तो वाराणसी से डिब्रूगढ़, मतलब कि गंगा बीडी से वाराणसी डिब्रूगढ़। ओके, नेक्स्ट है 13 जनवरी 2023 को भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया है, तो सारंग आईआईटी मद्रास सारंग। ओके, नेक्स्ट है 14 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है, तो शिलोंग। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है, शिलोंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जनवरी 2023 को फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्की चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण। 14 जनवरी 2023 को यूएन के COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व के लिए किसे चुना गया, सुल्तान अल जुबेर यूएई के। 14 जनवरी को किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया, WEF। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, सेट वगैरह में आपको देखने को मिला ही होगा। 14 जनवरी 2023 को किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया, तो WEF ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है। ओके,
नेक्स्ट है 14 जनवरी 2023 को BRO में तैनात होने वाले पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला है। सुरभि जखमोला BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। नेक्स्ट है 14 जनवरी 2023 को अभिनव 5G उपयोग मामले की जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला विदिशा बन गया है। कौन सा आप लोग कमेंट करके बताओ, विदिशा कौन से राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 जनवरी को 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कटक में। 15वें विश्व कप हॉकी का उद्घाटन कटक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 जनवरी को किस देश ने यूबोला रोग के प्रकोप को अंत की घोषणा किया, तो युगांडा ने। यूबोला का अंत युगांडा ने। नेक्स्ट है 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो भारतीय सेना दिवस के रूप में 15 जनवरी। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2023 को किसने गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड जीता, जिंदल स्टील ने। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड जिंदल स्टील ने जीता है। जिंदल स्टील ने गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने देश भर में 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई, तो टाटा पावर। टाटा पावर ने 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 15 जनवरी 2023 को किसने वैज्ञानिकों ने फेफड़े के कैंसर को पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है, तो MIT ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो कि 15 जनवरी से ही जुड़ा हुआ है कि 15 जनवरी 2023 को किसने अमेरिकी कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ लिया है, तो उषा रेड्डी ने। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2023 को किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है, तो श्रीलंका। श्रीलंका देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की घोषणा की है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 15 जनवरी को अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। राजस्थान अंधता नियंत्रण की पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2023 को टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट की शहर को नियुक्त किया गया, तो मुंबई। नेक्स्ट है 16 जनवरी को जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ है, तो जल्लीकट्टू कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो जल्लीकट्टू समारोह तमिलनाडु में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है OECD मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए क्लेयर लोम्बार्डली को। नेक्स्ट है 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया, तो बेंगलुरु। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु में 75वां सेना दिवस समारोह आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2023 को विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो स्विट्जरलैंड। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 16 जनवरी 2023 को आई ऑक्सफेम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश के कितने प्रतिशत संपत्ति थे, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे 16 जनवरी 2023 को G20 के तहत Think20 की बैठक कहाँ शुरू किया गया, Think20 की बैठक भोपाल में। G20 के तहत Think20 मतलब कि सोचने वाला, आप लोग याद करने के लिए ये मैं बता रही हूँ, Think20 मतलब सोचा उड़ने वाला ज़्यादा इंसान कहाँ है, भोपाल के इंसान ज़्यादातर सोचते हैं, तो Think20 की बैठक कहाँ पे शुरू किया गया, भोपाल में। ओके आप लोग कैसे भी लॉजिक लगाकर क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करो ताकि एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपसे छूटे ना। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2023 को जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है, तो यूके। यूके जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। नेक्स्ट है 16 जनवरी को बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया, तो असम में। बिहू त्यौहार असम में। नेक्स्ट है 17 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता किसे चुना गया, तो आर बोनी गैब्रियल अमेरिका की हैं। आर बोनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता चुना गया। ओके नेक्स्ट है 17 जनवरी 2023 को कौन सी राज्य सरकार ने सभी ऑफलाइन सेवाएँ समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गया है, तो जम्मू कश्मीर। तो ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल जम्मू कश्मीर हो चुका है, इससे पहले केरल था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 जनवरी 2023 के अनुसार कौन सा देश अपने 75वां स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर डाक टिकट जारी करेगा? श्रीलंका। मैंने बताया था ना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत तर पूछे जा रहे हैं जो कि अदर देश से, मतलब कि अदर कंट्री भारत के कुछ ना कुछ अपना रहा है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में कंपल्सरी कर दिया गया है कि पब्लिक स्कूल के बच्चे ये पंजाबी भाषा को मतलब कि ऐड किया गया वहाँ पे, वहीं 17 जनवरी को श्रीलंका में क्या किया गया है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस, जैसा कि श्रीलंका का 17 जनवरी को होता है, उस दिन जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर डाक टिकट जारी किया गया, जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया गया, जो कि बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। नेक्स्ट है, 17 जनवरी 2023 को जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जैरी सिनफील्ड। नेक्स्ट है, किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो बार्सिलोना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप बार्सिलोना ने जीता है। नेक्स्ट है, 17 जनवरी को किस राज्य को कोलम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया? तो केरल। के से याद करो, केरल और कोलम, मतलब कि कोलम क्या है, तो केरल का भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना। नेक्स्ट है, 17 जनवरी को संयुक्त सैन्य अभ्यास बरून किस देश के बीच हुआ है? तो बरून भारत और फ्रांस के बीच। ओके, नेक्स्ट है, 17 जनवरी को किसने वोमेन्स आईपीएल मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपए में खरीदे? बाइकॉम 18 ने। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बाइकॉम 18 ने वोमेन्स आईपीएल के मीडिया अधिकार को 951 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 जनवरी 2023 को किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सलेन। मलेशिया ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब जीतने वाला विक्टर एक्सलेन है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह बन गया, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह बन गया। नेक्स्ट है, 18 जनवरी 2023 को IMD ने कब तक देश का डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा किया? तो 2025 तक डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट है, 18 जनवरी 2023 को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला था? नानेरा। गोल्डन कैलाश नानेरा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गोल्डन कैलाश पुरस्कार नानेरा को। नेक्स्ट है, ASI ने कहाँ में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? तो बिहार। ASI ने 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की घोषणा की है, ये भी क्वेश्चन बिहार का है। नेक्स्ट है, 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो NDRF ने। नेक्स्ट है, 19 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टीम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो मास्टर कार्ड ने। नेक्स्ट है, 19 जनवरी 2023 को मार्शल आइलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो CV जॉर्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो कि 19 जनवरी से ही जुड़ा है कि 19 जनवरी 2030 को किस देश के उपराष्ट्रपति बादला अली जूप का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? गाम्बिया के थे। नेक्स्ट है, भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा बन गया? रूस। ये इंपॉर्टेंट में डाल लेना कि रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया, तो कमेंट करके बताओ कि फर्स्ट नंबर पर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 19 जनवरी 2023 को भारत का पहला 3X फ्लैट फॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो कर्नाटक। नेक्स्ट है, 19 जनवरी 2023 को किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2023 जीता है? तो तमिलनाडु के मार्केटाइल बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 जनवरी 2023 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन है? तो सुमन गिल। दोहरा शतक हो भी युवा बल्लेबाज में तो सुमन गिल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। ओके, नेक्स्ट है, 19 जनवरी 2023 को किसने मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कृष्णा बबी लाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि 20 जनवरी से अभी तक हमने 19 जनवरी तक कर रखा है। 20 जनवरी 2023 को किस IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहारोस विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 20 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर हासिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया? तो दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, 20 जनवरी 2023 को ब्रांड संरक्षता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जेनसन हुआंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 20 जनवरी 2030 को किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़। तो वहीं पे दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी? तो केरल ने। केरल राज्य सरकार ने 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने का अनुमति किया है, तो केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 जनवरी 2023 को किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता? सैंडुक रुइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जनवरी 2023 को अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन है? तो जनानी रामचंद्रन। अश्वेत समलैंगिक महिला जनानी रामचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 21 जनवरी 2023 को 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो भोपाल में। तो भोपाल से अभी तक दो क्वेश्चन जाना कि G20 का जो थिंक बैठक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो भोपाल में। वहीं 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मतलब साइंस से जुड़ा हुआ चीज़ कहाँ होगा? तो भोपाल से। थिंक और साइंस दोनों कहाँ? भोपाल में। ओके, 21 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच में पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 जैसलमेर में आयोजित किया गया? तो मिस्र। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत और मिस्र देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 जैसलमेर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो कि 21 जनवरी से जुड़ा हुआ है कि 21 जनवरी 2023 को भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बन गया? तो जियो, जो कि अभी तक भी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जनवरी 2023 को मणिपुर मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो MTM मणिपुर मेघालय त्रिपुरा। ये तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 जनवरी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप लोग डे तो मैंने बता रखा है कि 21 जनवरी को इसका स्थापना दिवस है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये इसका ईस्वी क्या है, कौन सी ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है। ओके, 21 जनवरी 2023 को सभी आदिवासियों की बुनियादी दस्तावेज पर्दा करने वाला देश का पहला जिला वायनाड बन गया। आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश कौन बन गया? तो वायनाड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जनवरी 2022 को सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? तो आरवी प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जनवरी 2023 को यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो यूनेस्को अफगानिस्तान की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 जनवरी 2023 को किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया? तो अस्का पुलिस थाना गंजाम जिला उड़ीसा। नेक्स्ट है कि 22 जनवरी 2023 को सूचना के अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो मेघालय। ये क्वेश्चन आप लोग रट जाना, ऑनलाइन गेमिंग जैसे ही पूछा जाए मेघालय, ऑनलाइन गेमिंग कहाँ है? मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जनवरी 2023 को किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक के रूप में चुना गया? तो इंगर एडर्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जनवरी 2023 को आयोजित ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना है? तो स्टेनली क्री प्रोटिच बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 22 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू किया? स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू किया पंजाब। पंजाब की भाषा कंपलसरी मतलब कि शामिल कर दिया गया ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जनवरी 2023 को किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन जीता है? तो लक्ष्मण रावत। नेक्स्ट है, 22 जनवरी को किसने जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में फायर में कौन सा स्थान हो जाएगा? फोर्थ। भारत का रैंकिंग फोर्थ है, फायर में फोर्थ, फर्स्ट से फायर, फर्स्ट से फोर्थ। ओके, 22 जनवरी 2023 को किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो मनीष तिवारी। फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से मनीष तिवारी। नेक्स्ट है, 23 जनवरी 2023 को कौन शूटिंग विश्वकप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? AK सिकरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 23 जनवरी 2023 के अनुसार G20 के पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? G20 के पर्यावरण समूह की कर्नाटक। G20 का पर्यावरण कार्य समूह का पूछा जाएगा तो कर्नाटक। G20 का थीम पूछा जाएगा तो भोपाल, पर्यावरण कर्नाटक। लेकिन आपको याद करना होगा किसका बैठक कहाँ पे हुआ, तो पर्यावरण जैसे ही पूछा जाएगा तो कर्नाटक में मारना। ओके,
नेक्स्ट है, डीजीसीए का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? विक्रम देवदत्त को, डीजीसीए को विक्रम देवदत्त को। और G20 का पर्यावरण? कर्नाटक, विक्रम देवदत्त को डीजीसीए का महानिर्देशक। 23 जनवरी को इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसे बनाया गया? तो अंशियंग को। इंडिया ओपन बैडमिंटन में चैंपियनशिप किसे बनाया गया? तो अंशियंग को। नेक्स्ट है, 23 जनवरी 2023 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया? तो 21 द्वीपों का। ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 21 द्वीप का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया, जो कि बहुत सम्मान की बात है। 23 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य का देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राज्य का देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। ह से हिमाचल प्रदेश, ह से हरित राज्य। ओके, नेक्स्ट है, 23 जनवरी को किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार दिया गया? तो डॉक्टर प्रभा अन्ने को। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर प्रभा अन्ने को हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर प्रभा अन्ने को हरिप्रसाद चौरसिया। ओके, नेक्स्ट है, 23 जनवरी को बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय महिला बस बाजरा बस बेंगलुरु। 23 जनवरी को बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू किया गया? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, 24 जनवरी को किस राज्य सरकार ने किसानों पर जल संरक्षण योजना शुरू किया? जल संरक्षण झारखंड, जल संरक्षण झारखंड, जल संरक्षण झारखंड। नेक्स्ट है, 24 जनवरी 2023 को US राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया का मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया? उत्तर कोरिया का जूली टर्नर। नेक्स्ट है, 24 जनवरी 2023 को 100 Days to Beat प्लास्टिक अभियान कहाँ रखा गया? दिल्ली, रखना भी चाहिए। 100 Days to Beat प्लास्टिक दिल्ली, 100 Days to Beat प्लास्टिक का कहाँ रखा गया? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 24 जनवरी को ममानी महोत्सव लद्दाख, ममानी महोत्सव लद्दाख। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ममानी को कहाँ से याद करना है? लद्दाख, ममानी महोत्सव लद्दाख। नेक्स्ट है, 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश में। तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये कौन से डेट को अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो उस टाइम मैंने तो डेट बता दिया। तो कमेंट बॉक्स में जाकर उसका डेट भी बताओ, स्थापना भी। वहीं आप 24 जनवरी को जो कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है, तो ये कब स्थापना इसका हुआ था, ईस्वी, वो जो कि आपको कमेंट में करके बताना है। ओके, नेक्स्ट है, 24 जनवरी 2023 को किस एयरपोर्ट को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो गोवा। यहाँ पे आप दो क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा मतलब कि ध्यान से देख लेना, 100 Days to Beat प्लास्टिक दिल्ली, ममानी महोत्सव लद्दाख, वहीं बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट अवार्ड गोवा एयरपोर्ट। ये तीनों क्वेश्चन में कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में टकराएंगे। ओके, नेक्स्ट है, 25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने 53वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, टाटा ट्रस्ट के सीईओ सिद्धार्थ शर्मा, टाटा ट्रस्ट के सीईओ टाटा सिद्धार्थ शर्मा, टाटा सिद्धार्थ शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी 2023 को उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत की सबसे तैरती हुई सौर परियोजना चंडीगढ़, तैरती हुई सौर परियोजना चंडीगढ़। 25 जनवरी 2023 को ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कौन बन गया है? ऋषभ पंत। नेक्स्ट है, 25 जनवरी को ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो नागालैंड, ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड, 25 जनवरी ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड। नेक्स्ट, ऑरेंज से नारंगी, नारंगी का नाम ना से स्टार्ट होता है, तो नागालैंड ऐसे करके भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट है, 25 जनवरी को 74वीं गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार अब दिया गया है? 106 लोगों को दिया गया पद्म पुरस्कार, 106 लोगों को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें 106 में लास्ट 6 को याद करना पद्म विभूषण, 10 में से एक गया, 9 को पद्म भूषण, बाकी जो 91 है पद्मश्री। ओके, पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9, फिर 91 पद्मश्री। ओके, नेक्स्ट है, 25 जनवरी 2023 को 74वीं गणतंत्र दिवस को पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? 412 वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार को मंजूरी 412 लोगों को। यदि पूछा जाए कि गणतंत्र दिवस में कितने पद्म पुरस्कार मिला गया, तो 106
ओके 106 और 412, किस राज्य में नोरो वायरस को दो मामलों की पुष्टि किया, नोरो वायरस केरल। 26 जनवरी 2023 को कौन सी फिल्म ऑस्कर में 2023 में डॉक्यूमेंट्री सब्जेक्ट कैटेगरी को नॉमिनेट किया गया, तो दी एलिमेंट विस्पर्स। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2023 को जो कि 74वां गणतंत्र दिवस है, कभी कभी आपका गणतंत्र दिवस का रैंकिंग भी पूछ देता है, तो इस बार जो 26 जनवरी 2023 को मनाया गया था वो 74वां गणतंत्र दिवस था, ओके, जिसके मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। ये क्वेश्चन आप लोग डबल ट्रिपल फोर फाइव जितना स्टार लगाने लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगे कि कौन चीफ गेस्ट बना था, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। केमा गणतंत्र दिवस था तो 74वां। नेक्स्ट है 27 जनवरी, आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है, तो सूर्य कुमार यादव ने। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का खिताब सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट है 27 जनवरी 2023 को आईसीसी अवार्ड के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है, तो बाबर आजम ने। नेक्स्ट है 27 जनवरी को 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अहमदाबाद में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन कि 28 जनवरी को किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया, तो विशाखापट्टनम के रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन से सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया, ओके। नेक्स्ट है 28 जनवरी 2023 को यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया, तो यूक्रेन का लड़ाई से भी आप लोग याद कर सकते हो कि यूक्रेन को यूनेस्को ने ओडिशा का डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया, ओके। नेक्स्ट है भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया, चीता दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से चीता आएगा, कितने, तो 12। नेक्स्ट है कौन सा फाइड वर्ल्ड चैंपियन 2023 की मेजबानी करेगा, तो कजाकिस्तान। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यहाँ पे ये चारों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों क्वेश्चन में आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट देखा, ग्रीन रेलवे स्टेशन, विशाखापट्टनम, यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था डेंजर जोन का, तो यूक्रेन, 12 से अधिक चीते लाएगा साउथ अफ्रीका से, वहीं फाइड वर्ल्ड चैंपियन में मेजबानी करने वाला कजाकिस्तान हो गया, ओके। जो इम्पॉर्टेंट है मैं उसे डबल बार इसलिए बोल देती हूँ कि वो आपको याद रहे। 13वीं सदी का हुइसल कला का हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया, कर्नाटक। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, 13वीं सदी का हुइसल कला का हीरा स्टोन कहाँ खोला गया, तो कर्नाटक में। 29 जनवरी 2023 को गूगल ने किस नाम से अपना ऑल इंडिया आधारित चैटबोट बनाया था, स्पैरो। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड किया गया है कि 29 जनवरी 2023 को गूगल ने किस नाम से अपना ऑल इंडिया आधारित चैटबोट बनाया गया, स्पैरो। 29 जनवरी 2023 को महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेवी हॉकल मेडल जीता है, तो न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है 29 जनवरी को किसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सम्मेलन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सुनील कृष्णन। ये क्वेश्चन विधानसभा वाला में एग्जाम में आ चुका है कि बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार सम्मानी से सम्मानित किया गया है सुनील कृष्णन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 29 जनवरी 2023 को किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया, नेट साइवर को। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम क्या बदलकर किया गया, अमृत उद्यान। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट 29 जनवरी 2023 को किसे आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया, रेणुका सिंह को। रेणुका सिंह को आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। नेक्स्ट है भारत की पहली इंट्रोनेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम इनको बैक रखा गया। नेक्स्ट है U19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है, भारत ने। अभी स्पोर्ट्स वाला लगभग आप क्वेश्चन भारत को टिक करोगे तो मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे चीजों में भारत नंबर वन पे है। नेक्स्ट है 30 जनवरी 2023 को आईसीसी स्प्रिट ऑफ क्रिकेटर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया आसिफ शेख नेपाल को। नेक्स्ट है 30 जनवरी को किसे इंडो अमेरिकन के अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया, तो राजा चेचारी को। राजा चेचारी को इंडो अमेरिका के अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया। आप लोग को ये गर्व होना चाहिए कि राजा चेचारी जो कि भारतीय हैं
उनको इंडो अमेरिका की अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेन पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास बीर गार्जियन 2023 संपन्न किया गया। बीर गार्जियन जापान। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है किस 30 जनवरी को किसे FIH राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया, BK पांडियन। नेक्स्ट है 30 जनवरी को खेल इंडिया यूथ गेम 2022 का पांचवा संस्करण कहाँ आयोजित होगा, तो मध्य प्रदेश में। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगी क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जानना जरूरी है। एक तो अमेरिका वाला राजा जेचारी, वहीं बीर गार्जियन भारत और जापान के बीच में हुआ, ये आप लोग याद कर लेना, ये याद कर लेना। इसके साथ साथ समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश में, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का पांचवा संस्करण मध्य प्रदेश, ओके, जो कि आपसे डायरेक्ट हिट करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 30 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो निखत जरीन को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 30 जनवरी 2023 को हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है, जर्मनी ने। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी जीता है। नेक्स्ट है 31 जनवरी को जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ, नई दिल्ली में। वहीं मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए गए, तो नरेश ललवानी। नेक्स्ट है 31 जनवरी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली महिला एशियाई कौन बन गई, मिशेल उयोह मलेशिया। 31 जनवरी को किस राज्य के हर गांव हरियाली नेपाल ने 90 लाख पौधों लगाने का रिकॉर्ड किया है, तो जम्मू कश्मीर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 31 जनवरी 2023 को किस राज्य के हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया, जम्मू कश्मीर। ये किसी को विश्वास नहीं होगा, जो पढ़े हुए स्टूडेंट होंगे वही जाकर इस क्वेश्चन को सही टिक करेंगे, क्योंकि 90 लाख पौधा कम नहीं है जो कि जम्मू कश्मीर में हर गाँव हरियाली पहल के तहत लगाने की घोषणा किया है। वहीं किस राज्य सरकार ने लाडली बहन योजना बनाई, तो लाडली वाला सब MP में मार देना, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन है, अमनप्रीत सिंह। उप प्रमुख अमनप्रीत सिंह, ओके। नेक्स्ट है 31 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस में परेड, जो कि हमेशा उत्तर प्रदेश की झांकी रहता था, लेकिन जो पढ़े हुए स्टूडेंट रहेंगे वही उत्तराखंड मारेंगे, क्योंकि इस बार उत्तराखंड की झांकी को नंबर 1 पुरस्कार मिला गया है। तो उत्तराखंड 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में नंबर 1 पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है 31 जनवरी 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया, तो मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो एशिया 2023 के लिए भागीदारी देश के रूप में किसे नामित किया गया, तो UK। 31 जनवरी 2023 को बायो एशिया 2023 के लिए भागीदारी देश के रूप में UK को नामित किया है। आज का लास्ट क्वेश्चन, 2023 की G20 की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, पहली बैठक पुदुचेरी में हुआ। 31 जनवरी को 2023 की G20 की पहली बैठक पुदुचेरी में हुआ। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का था, जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एक ही वीडियो में कवर कराया गया। तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।